एनआईओएस कोर्स कोड 506 ब्लॉक 4 बालिका एवं बाल अधिकार। बालिका एवं बाल अधिकार के अंतर्गत इकाई 11 12 13 है। इकाई 11 में शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, 12 बालिका सशक्तिकरण, 13 इकाई 13 में है बाल अधिकार एवं हकदारी। अब हम इसका प्रस्तावना पढ़ेंगे। खंड 4 बालिका एवं बाल अधिकार। एक विद्यार्थी के रूप में आप खंड 4 के अंतर्गत बालिका एवं बाल अधिकार का अध्ययन करेंगे। इस खंड में शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, बालिका सशक्तिकरण तथा बाल अधिकारों से संबंधित 3 इकाइयां हैं। प्रत्येक इकाई कुछ भागों तथा उपभागों में विभाजित है। इससे पहले आप खंड 1 बाल विकास एवं वृद्धि का आधार, खंड 2 बच्चों का व्यक्तित्व विकास तथा खंड 3 समावेशी शिक्षा का अध्ययन कर चुके हैं। इकाई 11 शिक्षा में लैंगिक मुद्दे। शिक्षा में लैंगिक मुद्दे क्या है? इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप जेंडर की अवधारणा को समझ सकेंगे तथा सेक्स एवं जेंडर में अंतर कर सकेंगे। आप लैंगिक भेदभाव के स्रोत, प्रकार तथा विभिन्न कारकों को जान सकेंगे। आप लैंगिक भेदभाव के उद्भव तथा इतिहास को जान सकेंगे। साथ ही आप लैंगिक सूचकों जैसे स्त्री पुरुष अनुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की वर्तमान स्थिति जान सकेंगे। आप लैंगिक भेदभाव से मुक्त समाज के निर्माण में अध्यापक की भूमिका पर चर्चा करने के योग्य हो सकेंगे। इकाई 12 के अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा, यह इकाई आपको सशक्तिकरण के प्रत्यय, सशक्तिकरण के सूचकों तथा बालिका सशक्तिकरण की आवश्यकता को समझने में सहायता करेगी। आप बालिका सशक्तिकरण में शिक्षक की भूमिका को समझ सकेंगे। आप बालिका सशक्तिकरण हेतु विभिन्न स्तरों पर हुए प्रयासों को जान सकेंगे तथा विभिन्न संस्थाओं के बालिका सशक्तिकरण में भूमिका का वर्णन कर सकेंगे। इकाई 13 बाल अधिकार एवं हकदारी। यह इकाई आपको मानव अधिकार तथा बाल अधिकारों का अर्थ समझने में सहायता करेगी। आप बाल अधिकारों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिशों को जान सकेंगे। आप निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की सिफारिशों को जान सकेंगे। आप बाल श्रम के अर्थ को समझ सकेंगे तथा इसको समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा कर सकेंगे। आप बाल अधिकारों के संरक्षण में अध्यापक की भूमिका तथा RTE राइट टू एजुकेशन 2009 में अध्यापकों हेतु निर्धारित सिफारिशों को समझ सकेंगे। ये विषय सूची है, विषय सूची में भी वही चीज है और इसके आगे अगर पढ़ना है तो विस्तृत रूप से मैं अगले वीडियो में इसको पढ़ूंगा। इसके प्रस्तावना को हम देख लेते हैं, सिर्फ प्रस्तावना को देखेंगे कि इकाई 11 का प्रस्तावना जो शिक्षा में लैंगिक मुद्दे हैं इसको देखेंगे। क्योंकि वीडियो काफी छोटा हो रहा है इसलिए इसी में इसको ऐड करना हम ज्यादा उचित समझते हैं। प्रस्तावना देखेंगे और इकाई 11 का प्रस्तावना शिक्षा में लैंगिक मुद्दे। प्रस्तावना। पूर्व की इकाइयों में आप विभिन्न सुविधा वंचित समूह और उनका समस्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। एक आप सुविधा वंचित वर्ग जिनकी ओर अध्यापक का ध्यान आकर्षण करने की आवश्यकता है वह वर्ग स्त्रियों और लड़कियों का वर्ग है। लड़कियों और स्त्रियों को समाज में अत्यंत हानि उठानी पड़ती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वे स्त्री हैं। यह एक सही सोच रखने वाले व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया के लिए एक गंभीर मुद्दा है। स्त्रियों को समाज में जिन हानियों का सामना करना पड़ता है वे कई मामलों में अनोखे होते हैं, अतः इस पर हमें अलग से बात करने की आवश्यकता है। इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है यदि हम अपने परिवार, समाज और देश को बेहतर, मानवीय और न्यायपूर्ण बनाना चाहते हैं। इसका देश के सामाजिक, नैतिक और आर्थिक विकास पर गंभीर असर पड़ता है। इस इकाई में हम स्त्री और पुरुष के असमानता के बारे में उसके कारकों और
उसके रूप के बारे में सीखेंगे। स्त्री और पुरुष के लिए न्याय संगत अधिक समानता मूलक समाज की रचना के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस इकाई में स्कूल और अध्यापकों की ऐसी दुनिया बनाने में जहाँ पर स्त्री और पुरुष को सम्मान और अधिकार समान रूप से प्राप्त हो तथा उनके विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो, उनकी भूमिका के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है मैं अगले वीडियो में आप लोगों से प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।